बात यह है कि जेल इसी को कहते हैं जहाँ पे सहूलियात नहीं होती है और जहाँ पे तकलीफ भी होती है। मेरा ख्याल है पेट्रोल की प्राइस और बढ़ जाएगी आज या कल, और बड़े वादे कर रहे हैं कि जनाब मुझे अगर आप छोड़ देते हैं तो मैं बाहर जाके कुछ नहीं कहूँगा, चुप करके बैठूंगा, अच्छा बच्चा बनूंगा। पहले शाह महमूद ये बताएं उनका और पिंकी पीरनी का जो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूँ माहविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब तो जेल में हैं और बुशरा बीबी की खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है मुबश्शिर साहब, और वो खान साहब की हालत देखकर रो पड़ी हैं क्योंकि खान साहब को बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में रखा गया है जेल में। सर क्यों करें हैं उनके साथ ऐसा, मतलब उनको तो कोई सहूलियत भी नहीं दी जा रही, साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो कहाँ पे हैं? जेल में। जेल में तो वो घर पे हैं, उनको सारी सहूलत दी जाए। असल बाकी को मिली थी ना? नहीं, मेरा मतलब है नहीं बाकियों को, आप बताएं किसको मिली थी, चले मुझे बताएं। सर वो आसिफ जरदारी साहब को तो 7 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली थी, 7 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है ना, ना किसी से मिलने की इजाज़त थी ना बात करने की। तो बात यह है कि जेल इसी को कहते हैं माविश, जहाँ पे सहूलियात नहीं होती और जहाँ पे तकलीफ भी होती है, फिर क्योंकि जिन सहूलियात की हमें आदत होती है जब उसके बगैर हमें रहना पड़ता है तो वही तकलीफ है हमारे लिए। किसी और आदमी को जिसको उन सहूलतों की आदत नहीं उसके लिए वो जेल जो है वो घर जैसी बात है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इसके कि जंगला लगा हुआ आगे। तो जेल में है ना, इसमें कौन सी ऐसी वो परेशानी की बात है? जहाँ तक बुशरा बेगम के रोने का सवाल है वो फिर कोई टोना ही होगा उसका, टोटका होगा, वरना उसको रोना किस बात पर आना, वो तो तैयार है, इतनी वो है तो आ जाए। साथ वाली जेल भी खाली होगी अभी तो उसमें आ जाए, बैठ जाए खुद आके। सर लंदन से खबरें आ रही हैं कि फाइनली नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर के मिड में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और अब खानदानी जराए से ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खबर चल गई है। सर अब आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे? माविश बात ये है कि मरियम की ख्वाहिश है कि वो आ जाए, शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है वो आ जाए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ अभी तक टू माइंड्स में है। और देखिए आप मियाँ नवाज शरीफ की साइकी समझने की कोशिश करें, मैं तो उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता लेकिन मैंने जितना उनको ऑब्जर्व किया मैं आपको उससे बता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेगम कुलसूम नवाज पे डिपेंडेंट थे अपने डिसीजंस के लिए, और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो थी, जो हमें पता चला वो ये कि बहुत कूल खातून थी और बहुत ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से वो फैसला करके बताती थी और समझाती थी। पहले मियाँ साहब अपने वालिद साहब से लेते थे एडवाइस, अब मियाँ साहब अकेले हैं। मियाँ साहब कोई एतबार नहीं है इन लोगों का, इनके एडवाइस पे एतबार नहीं है। अच्छा, जिस दिन उनको एतबार हुआ कि हाँ मैं सेफ होऊंगा वो आ जाएंगे, उस दिन वो एक दिन भी जेल नहीं जाना चाह रहे। अब मुझे आज किसी ने कहा नून लीग वाले ने कि जाती उमरा को जेल करवा देंगे, तो मैंने कहा फिर बनीगाला को भी करा दो, फिर अल्ताफ सिंह का 9-0 भी करवा दो, हर एक को इनमें से जेल में जिनको डाला हुआ है या डाला था तो उनके घरों को सब जेल करवा दो, ठीक है ना। तो या तो सबको वही मिले, जितने कैदी हैं जेल में नौसरबाज, नौसरबाजी के 400 BC के, फिर उनको भी घरों में अपना सब जेल डिक्लेयर करके घर में रहने दो, फिर जेल बंद कर दो। सर लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते तो जैसे आप भी कहते हैं कि फिर उनकी जाहिर इलेक्शन कैंपेन में उस तरह से जान नहीं रहेगी, तो अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो फिर नून लीग के क्या चांसेस हैं इलेक्शन में? आज मेरा ख्याल है पेट्रोल की प्राइस और बढ़ जाएगी आज या कल, पेट्रोल भी डीजल भी, पेट्रोल 15 रुपये और डीजल 20 रुपये। उसके बाद इस हुकूमत की जितनी भी कमर थी ना PDM की वो बिल्कुल टूट जाएगी। ये हलकों में जा ही नहीं सकते महंगाई के खिलाफ बोलने के लिए, अब देखें वहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी, मुश्किल है अभी। सर जस्टिस बंदियाल साहब पहले तो इलेक्शंस मई में करवा रहे थे लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि पहले हर हाल में हलका बन गया हूँ उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं, सर ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? ये तो हम पहले भी कहते थे ना कि बंदियाल साहब आप हकीकत को देखें और समझें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आप देखें इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना कब इलेक्शन नहीं होना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जब इलेक्शन होगा तो आइन का तकाजा है कि जनाब हल्का बंदियाँ भी हो, मरदमशुमारी भी हो, ठीक है ना, और अगर आप वो नहीं करते तो फेक आप करते रहते हैं कि जी बस हम इस साल अंदाजे से बता रहे हैं, तो भाई उसमें तो बड़ी तकलीफ है बाद में जाके।
तो इलेक्शन कमिश्नर का पहले उस तकलीफ को रेक्टिफाई करना चाहता है तो क्या बुराई है। सर, अब से कुछ देर पहले खान साहब की मजीद 9 केसेस में जमानत खारिज हो गई है, तो सर ये तो बहुत लंबी जेल नजर आ रही है, तो खान साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जेल 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 जेल। और ये है कि खान साहब इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे डील हो जाए और 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, और बड़े वादे कर रहे हैं कि जनाब मुझे अगर आप छोड़ देते हैं तो मैं बाहर जाके कुछ नहीं कहूँगा, चुप करके बैठूँगा, अच्छा बच्चा बनूँगा, आपकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन अब इमरान खान उस स्टेज पर आ गए, किसी को इसकी किसी बात का यकीन नहीं है। इमरान का मुश्किल तो मुझे बहुत लगती है, और मुझे नहीं लगता ये पार्टी भी इनके हाथ में रहती है कि नहीं। फिर किसके हाथ में जाएगी ये अभी नहीं पता, लेकिन बुशा बीबी और शाह महमूद, एक दो और लोग, ये ऐसे घूम रहे हैं इस पार्टी के ऊपर जैसे गिद्ध फिरता है लाश के ऊपर, जितना वो उससे अट्रैक्ट होता है। देखते जाएं, शर्माती जाएं। सर, अनवारुल हक काकर साहब के लिए तो अपने दफ्तर में पहला ही दिन जो है वो कांटों की सेंध साबित हुआ। एक तरफ तो काबीना का फैसला नहीं हो रहा, दूसरी तरफ जो आपने बात की पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, सर क्या लगता है आपको, ये निगरान वजीर आजम संभाल पाएंगे? निगरान वजीर आजम को प्रॉब्लम तो पड़नी है, और ये 2 दफा महंगाई की एक वेव आ गई, चाहे वो 2 हफ्ते में हो चाहे वो 2 महीने में हो, उस पर निगरान वजीर आजम साहब को आटे दाल का भाव पता चल जाना है इस मुल्क में कि यहाँ आटा है किस भाव। सर, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में मीडिया पर इलेक्शन सर्वेस के हवाले से पाबंदी लगा दी है, सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनको लगा होगा अभी जितने सर्वे हैं उसमें पीटीआई जीत रही है तो इसको मत जताएं, और तो मुझे इसमें कोई वजह नहीं समझ आती। अब अभी तो इलेक्शन की हवा भी नहीं है तो फिर इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाना, ये मुझे मेरी समझ से बाहर आ रहा है। सर, पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख के हवाले से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें खान साहब का ना तो जिक्र है ना ही उन्होंने खान साहब की कोई तस्वीर लगाई है। सर, आपको लगता है पाकिस्तान की जो क्रिकेट की तारीख है वो खान साहब के बगैर? नहीं, आप देखें जो सलूक हमारे साथ इंडिया ने किया वही हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। उन्होंने एंथम में से बाबर आजम की तस्वीर निकाल दी, पाकिस्तान की निकाल दी, और वेस्ट इंडीज़ को डाल दिया जो बैच में ही नहीं है, टूर्नामेंट में ही नहीं है, उसको डाल भी दिया। उसी तरह की हरकतें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इमरान खान की जो क्रिकेट के लिए खिदमात हैं उनको तो जितना बयान किया जाए वो कम है, तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। सर, वजह वैसे आपको क्या लगती है, ऐसा क्यों किया गया? छोटी बातें हैं, आप कभी किसी की कंट्रीब्यूशन को नहीं छुटला सकते। जहाँ इमरान खान की बातें गलत हैं हम उसको बरमला गलत कहते हैं, लेकिन जो इमरान खान की खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की क्रिकेट के लिए, उससे अगर आप उसका नाम निकालते हैं तो आप छोटेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, और ये घटिया बात है, मैं इसे एग्री नहीं करता बिल्कुल। यानी आप मैं तो कहूँगा कि आप बल्कि जो इमरान खान स्टैंड है उसको भी रीडू करें, सफाइयाँ करें, लोगों को दिखाएं कि हम अपनी सियासत को अपने हीरोइज्म में नहीं आने देते। सही बात है सर, बिल्कुल एग्री। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो पीडीएम की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल को ख़त्म करें, आपको लगता है कि निगरान हुकूमत ये कर सकती है? पहले शाह महमूद ये बताएं उनका और पिंकी पीरनी का जो तनाव है वो कब ख़त्म हो रहा है, वो छोड़े पीडीएम के तनाव को, पीडीएम तो ख़त्म हो गई, अब 1 पॉइंट एजेंडा था वो कभी भी मौलाना फजल रहमान कह देंगे अब पीडीएम इख्तिताम पजीर हो गई, एक चाय हो जाएगी, खाना हो जाएगा जहाँ सारे मेंबर्स जाएंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पीडीएम का तनाव जो है उसकी वजह से तो ये नहीं आया, ये जिसकी मर्जी से आया वो सबको पता है, whether somebody likes it or not। ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।